गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई एम आल्सो फाइन बेटा. बेटा पिछले सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? चैप्टर 11 है ना? यस मैम. हाँ बेटा मैम, चैप्टर 11 पढ़े थे. हाँ, चैप्टर 11 का आप लोग बुक बी में वर्क किए थे ना? हाँ बेटा. बुक बी में आप लोगों ने कितना वर्क किया है? पेज नंबर 59 करना है ना आप लोगों को? मैम 59 पेज नंबर में देखिए. सब लोग बुक ओपन किए हो? यस मैम. हाँ बेटा. यस मैम. आप लोगों एक जो है नारा बनाए. देख रहे हो बुक में दिए गए चित्रों के नाम रिक्त स्थान में लिखें और उछल और खिसक की तरह आप भी पेड़ों की सुरक्षा के लिए नारा बनाएं. देख रहे हो? यस मैम. क्या लिख रहा लिया? किस चीज का चित्र बना है? मैम पेड़ का. मैम पेड़ का. पेड़ का? यस मैम. पेड़ को हम और किस नाम से जानते हैं बेटा? मैम वृक्ष. वृक्ष. तो हमें यहाँ क्या लिखना है? हमें यहाँ लिखना है बेटा पेड़ नहीं लिखना, वृक्ष लिखना है. वृक्ष. हाँ वृक्ष. हमारे जीवन आधार. क्या होगा पूरा वाक्य? क्या होगा? वृक्ष हमारे जीवन आधार. सभी लोग लिखे. वृक्ष हमारे जीवन आधार. हो गया. चलिए अगला चित्र देख रहे हैं आप लोग. इसमें क्या है? क्या है चित्र में? आलोक आपके पास नहीं है. चलिए रंग. यस मैम. क्या होगा यहाँ? हरा. मैम हरा. मैम इसकी हरा. हाँ बेटा. सभी लोग अमर क्या होगा बेटा यहाँ? आदर्श प्रताप सिंह क्या होगा बेटा यहाँ? मैम हरा भरा. हाँ मैम हरा भरा. इनसे संसार हरा भरा. अब दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़िए. आपका स्लोगन तैयार है, नारा तैयार है. ऐसे ही आपको और मैम हरा भरा इसमें संसार. महिमा दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़िए तो पूरा होगा. मैम हरा भरा जीवन में संसार.
वृक्ष हमारे जीवन आधार जिनसे हम पूछेंगे उन्हीं को बोलना रहेगा। माइक सब लोग बंद रखो अपना, ठीक है। जिनसे पूछेंगे उन्हीं को बोलना है। चलिए बीरू सुनकर दोनों वाक्यों को मिलाकर क्या स्लोगन तैयार हुआ है बताइए। माइक ऑन करके बताइए। बताइए बेटा बीरू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदर्श गुप्ता बताएंगे। आदर्श गुप्ता बताओ बेटा। नहीं बता पा रहे हो आदर्श गुप्ता, वैसे बहुत बोलते हो। बोलो वाक्यों को एक साथ बताओ। क्या स्लोगन तैयार है, क्या नारा बन गया, बोल के बताइए। मैम हम बताएं। हाँ बेटा अमित बताइए। अमित वृक्ष हमारा जीवन आधार, हरा भरा इस संसार, इसने संसार। आदर्श गुप्ता बताइए क्या बना। आदर्श गुप्ता अब बताइए, अब तो बोलो पढ़ के। बुक नहीं बेटा आपके, पहले स्पीकर अपने मुंह के पास ले जाओ तब बोलो। हाथ में लेके बैठे हो, बोलो। मैम हरा भरा जीवन का संसार पे। तुम से नहीं पूछ रहे हैं, आदर्श गुप्ता से पूछ रहे हैं। आदर्श गुप्ता गुप्ता से पूछ रहे नहीं बोलोगे ना। आदर्श गुप्ता के माइक में जरूर कुछ कमी है, नहीं बोल पा रहे हैं। चलिए विशेष उपाध्याय, विशेष उपाध्याय आप बोलिए बेटा। विशेष उपाध्याय नहीं बोलोगे। देवान शर्मा क्या हो रहा है, देवान शर्मा, देवान शर्मा, देवेन, देवान शर्मा बोलिए। देवान शर्मा क्या कर रहे हो। सौरभ सैनी, सौरभ सैनी बोलिए। सौरभ सैनी चलिए। आदर्श प्रताप सिंह आप बताइए क्या नारा तैयार हुआ। हाँ आदर्श प्रताप सिंह, पेड़ हमारे जीवन आधार, हरा भरा इनसे संसार। हाँ बेटा बहुत अच्छा। तो चलिए इसी के मिलता जुलता आप दूसरा नारा सोच कर लिखे, तो सभी लोग सोचे दिमाग में, इससे मिलता जुलता और भी स्लोगन बन सकता है, कोई नारा बन सकता है। यहाँ लिखा हुआ है आप भी पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक नारा बनाएं।
आपको नारा यहाँ नीचे लिखना है, नीचे जो स्पेस है ना यहाँ बना के लिखना है, ऐसे ही इसको नहीं लिखना है, ऐसे ही आप अपने द्वारा बनाई हुई स्लोगन को लिखें। किसको तैयार है? बड़ा इंसान, सिंह का नाम तैयार हो गया है। हाँ बताइए क्या है? मैम खाद डालो, पानी डालो, पेड़ लगाओ, पेड़ उगाओ, पेड़ को बड़ा बनाओ। खाद और पानी डालो, पेड़ को बड़ा बनाओ। हाँ चलिए, तो आप अपना लिख लीजिए, सबको अपना अपना बनाना है, अपने अपने सोच के एक एक बनाना है। यही सामने मेरे आज आप लोगों का यही सामने टेस्ट हो रहा है, कोई किसी से चिट्ठी करके पूछेगा नहीं, स्क्रीन पे सभी लोगों को हम देख रही है। आप सोचिए ऐसे ही स्लोगन बनाइए, यहाँ मुझको बताइए और फिर राइट कीजिए। अहम, महिमा, आर्यन, सार्थक, सभी लोग अपना ऑन कीजिए, वीडियो ऑन रखिए। मैम, हाँ देवेश तिवारी क्या बोलना चाह रही हैं? मैम पेड़ को पानी डालो, मैम पेड़ को खाद दो, मैम पेड़ को बड़ा कर दो। ऐसे तो नहीं बनता है, गड्ढे से एक तरह से बनाओ। अभी तो आदर प्रताप सिंह बताए आप वही करे, खाद डालो, पानी डालो, पेड़ को बड़ा, कोई चीज आप ही बोले हो, दूसरा कोई सोचो। अलग रहे, एक दूसरे से अलग रहे। मैम हम बोले अब सभी लोग एक एक बोलना है, सोच सोच के सबको एक एक नारा सोच के बोलना है, उसके बाद अपने वर्कबुक पे लिखना है। देखते हैं कौन सबसे नंबर एक, फर्स्ट फर्स्ट पे तो आदर प्रताप सिंह आ गए। मैम हम बोले देखते हैं कौन आएगा, सेकंड पोजीशन किसका रहेगा आज के दिन में, जल्दी सेकंड पोजीशन लीजिए, नारा सोच के बताइए। हाँ अमित बताइए बेटा। गड्ढा खोदो, चीटिंग नहीं करना है, खोदो। गड्ढा खोदो, पेड़ रखो, माटी डालो, पानी डालो, मिट्टी डालो और पानी डालो। नहीं बोलेंगे ये आपका नहीं सही है। सौम्या, यस मैम, लोग मैंने जैसे यहाँ पर वृक्ष हमारे जीवन आधार, बताओ मैडम जी लिखे नहीं संसार, ऐसे तुकबंदी करते हुए लिखे नहीं मैडम जी, बताओ भेजे तो देखे नहीं। मैम बनाते हैं। अनुष्का क्या कर रही है बेटा? अनुष्का बनाई कुछ? मैम बोलिए अनुष्का। मैम हम बताएंगे, अनुष्का बेटा बोलिए जल्दी। मैम गड्ढा खोदो, पानी डालो, खाद डालो। ये क्या है, गड्ढा खोदो, पानी डालो, खाद बनाओ, ये कोई स्लोगन हुआ? मैम सौम्या बताइए। सौम्या मैम पानी यस मैम बोलिए। मैम पानी छोड़ो, खाद छोड़ो, सूरज की रोशनी दो, पेड़ को बड़ा कर दो। पेड़ को बड़ा बढ़ा दो, खाद डालो, पानी डालो, सूरज की रोशनी दो, पेड़ को बड़ा बना दो। चलिए आपका हो गया, लेकिन और भी इससे अच्छा कुछ सोचिए, फिलहाल आप भी डालो, पानी डालो। चलिए
और कौन तैयार किया? खाद डालो। मैम माधवपुर का सिंगम मैम कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ पर तो कंप्लीट हो गया। चलिए देवेश तिवारी आप कुछ सोचे। मैम मैम पानी डालो, मैम पानी डालो, मैम मैम पेड़ बैठाओ, मैम गड्ढा खोद कर, मैम मैम अभी आपका नहीं होगा। गड्ढा खोद के पेड़ पानी डालो अभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार किसी ने बता चुका है तो आपको उसको रिवाइज नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से दूसरा बनाना है। सभी लोग कह दो गड्ढा खोदो के पेड़ डालो पानी डालो घास उसकी रोशनी दो पेड़ बढ़ाओ। हम कहाँ पर राइट करना है? नीचे जो स्पेस है ना यहीं पे आप लाइट खींच के राइट कर दीजिए। हाँ रखे रहो कंप्लीट हो गया अपने पास रखो और कीजिए जल्दी सार्थक। समझ में आ रहा है? हाँ बेटा नहीं समझ में आ रहा है? किसी की समझ में नहीं आ रहा है बेटा? हाँ नो मैम। नो मैम। क्या राइट कर रहे हो बैठ के आदर्श गुप्ता? चैटिंग बॉक्स में मैसेज डाल रहे हो? नारा बनाने के लिए कहा गया तो मैसेज लिख रहे हो बैठ के? हाँ आदर्श गुप्ता बहुत पिटाई तुम्हारी होगी, सर को भेज दी तुम्हारे होम पे, मैसेज राइट कर रहे हो, नारा बनाइए, बताइए क्या बनाइए, मैसेज राइट कर रहे हैं बैठ के। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी, क्या आप नारा बनाइए बताओ, उसको लिख के बताओ। मैम पेड़ को पानी, मैम पेड़ को पानी दो सबसे ज्यादा मैम पेड़ बड़ा हो जाएगा। मैम यस मैम आप राइट कर चुकी? बाकी लोग बैठे हो कोई नहीं yes, राइट कर रहा है? किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ भी? हाँ पेड़ लगाओ देश बचाओ, ये भी आपका स्लोगन है, सुन लीजिए ध्यान से, पेड़ लगाओ देश बचाओ। मैम पेड़ लगाओ देश बचाओ। धरती को हरा बनाना है तो पेड़ को लगाना है, एक स्लोगन आपका ये भी हो गया।
राइट कर सकते हो। मैम हम लिख ले, मैम हम राइट कर रहे हैं। एक एक करके राइट कर लो। मैम मैम अगर धरती मैम कहाँ पर राइट करना है? हरा बनाना है तो पेड़ पौधे लगाना है। मैम धरती को हरा भरा रखना है तो पेड़ लगाओ, पेड़ पौधे लगाना है। मैम एक पेड़ लगाओ, हरियाली पाओ। आप इसको भी राइट कर सकते हो। पेड़ लगाओ, हरियाली पाओ। पेड़ लगाओ, देश बचाओ। ठीक है, अब तो राइट कर सकते हो ना सभी लोग। मैम कहाँ पर राइट करना है? नीचे नीचे। मैम कहाँ पर राइट करना है? जो आपका बुक है उसमें जो हरा भरा हरा बना हुआ है कलर, इसके नीचे आपका जो स्पेस बचा हुआ है इसी पे करना है। जो हरा कलर दिख रहा है इसके नीचे स्पेस दिख रहा है ना लाइनिंग? यस मैम, उसी पे आपको करना है। मैम क्या मैम मैम क्या राइट करें? अभी जो हम बता रहे हैं आपको, मैम बता दीजिए। हरा बनाने के बाद भाई क्या कहना है? मैंने हरा भरा भाई, भाई कुछ कहना हरा भरा और गुरुवार यदि हो मैम। हाँ बेटा। मामा दत्त प्रताप सिंह का मैम मैम हो गया है। क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। आपका हो चुका है, आपके लिए हमने नहीं कहा बेटा। ये लोग जो लोग नहीं कर पाए थे उनके लिए हमने बताया था। अच्छा चलिए, सब लोग लिख चुके? यस मैम। बता दीजिए, तैयार कर चुके? यस मैम। मैम मैम बेटा मैम का फिर से बता दीजिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। धरती को हरा बनाना है तो पेड़ पौधे लगाना है। पेड़ लगाओ, हरियाली पाओ। कोई एक लिखो, सब में लिखना है। पेड़ लगाओ, हरियाली पाओ। मैम हम लिखे हैं मैम पेड़ बनाओ, पत्ती हरा बनाओ। ये पत्ती हरा बनाओ, ये क्या कौन सा स्लोगन है? पेड़ लगाओ, धरती हरा बनाओ। सभी लोग राइट किए? यस मैम। देवान शर्मा आप क्या कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो बैठ के? हाँ पढ़ाई हो रही, मस्ती हो रही है? हम राइट करें, लिखना है तो जल्दी से। हाँ चलिए, आप लोगों को पेट पड़े बीमार पोयम सबको लर्न है। हाँ चलिए, बीरू सोनकर सबसे पहले सुनाएंगे। बीरू सोनकर मैम पेड़ पड़े बीमार, मैम उनको चढ़ा तेज बुखार, मैम उनके पत्ते झड़ गए। मैम जिससे बोल पूछेंगे उसी को। कौन सा पेज है? पेज नहीं देख के बता, देख के थोड़ी चीटिंग करके थोड़ी बताना है आप लोगों को। फिर क्या फर्क पड़ेगा कौन सा पेज है? चीटिंग करके बताओगे। वीरू को नहीं लड़ना है। चलिए देवेश तिवारी आप बोल आइए। देवेश तिवारी सामने स्क्रीन पे देखिए।
हमें पता चला कौन चीटिंग कर रहा है। देवेश तिवारी, यस मैम, आइए सुनाइए। मैम पेड़ एक दिन पड़े बीमार, चढ़ गया उनको तेज बुखार, पत्ते झड़ गए सारे, उनके मिला न कोई उपचार, आया बादल डॉक्टर बनके जो देवेश तिवारी स्क्रीन पे देखिए, बुक बुक देखिए, पुट करके रखिए, बुक बुक पुट करके रखिए, बुक देख के बोल रहे हो आप, पुट कीजिए। हाँ अपने बोलिए। मैम आया न कोई उपचार, बादल बन बादल डॉक्टर बनके आया, जोर 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 से पानी बरसाया, सारे पक्षियों ने मिलकर खाद का खाना खिलाया, आने लगी पत्तियां उनमें रंग बिरंगे फूलों के लिए, हुआ बुखार छूमता छूमंतर उनका, सभी खुशी से नाचने लगे, दिखते बड़े ही सुंदर पेड़, छाया फल और फूल मिले, अगर अगर मिले इन्हें पानी और खाद, फिर ये कभी ना पड़े बीमार। महिमा आप सुनाइए। यस मैम। मैम पेड़ पड़े एक दिन बीमार, उनको चढ़ गया तेज बुखार, उनके सारे पत्ते झड़ गए, ना मिला कोई उपचार, बनकर आया बादल डॉक्टर, तेज तेज पानी बरसाया। आगे पुष्प पक्षियों ने खाद का खाना खिलाया, आने लगी उनके सारे पत्तियां फूलों रंग बिरंगे फूलों खिले, ना फिर ना कभी उनको चढ़े ना बीमार बुखार ना चढ़े। थोड़ा सा सही नहीं याद है आपको, और भी अच्छे से याद कीजिए। चलिए बीमार चढ़ गया उनको, अनुष्का सुनाइए। अनुष्का बुक पुट कीजिए पहले, अनुष्का बुक पुट करके रखिए मेरे सामने। अनुष्का यस मैम, स्क्रीन पे बुक दिख रहा है आपके, बुक को पुट कीजिए पहले, पुट करके रखिए। यस मैम, बंद करके रखिए। यस मैम, ये देखिए मैम, पेड़ एक दिन पड़े बीमार, उनको चढ़ गया तेज बुखार, मैम पत्ते झड़ गए इनके सारे, पत्ते झड़ गए सारे, उनके मिला ना उनको कोई उपचार, आया बादल डॉक्टर बनकर जोर जोर से पानी बरसाया, सारे पक्षियों ने मिलकर खाद का खाना खिलाया, आने लगी पत्तियां उन पर रंग बिरंगे फूल खिले, हुआ बुखार छूमंतर उनका, तभी खुशी से नाचने लगे, देखते पेड़ ही सुंदर पड़े पेड़ देखते पेड़ ही सुंदर पेड़ बड़े ही सुंदर पेड़, छाया फल और फूल मिले,
छाया फल और फूल मिले, अगर मिले इन्हें पानी और खाद फिर ये कभी ये पड़े बीमार। बुक मैम बीमार। आदर्श गुप्ता सुनाइए। आदर्श गुप्ता चलिए। अमर अमर सुनाइए। आदर्श की आदर्श आपका स्पीकर खराब है, आज आवाज नहीं आ रही है आपकी। आदर्श गुप्ता अमर उनको पेट बुखार पत्ते झड़ गए सारे, उनके मिले ना कोई उपचार, आया बादल डॉक्टर बनके जोर जोर से पानी बरसाया, सभी पशुओं ने मिलकर खाद खिलाए, आने लगे पत्ते उनके मंतर रंग बिरंगे फूलों के, ये बुखार मंतर मंतर इनका सभी खुशी से नाचने लगे। क्या कर रहे हो आदर प्रताप सिंह, डांस कर रहे हो आदर प्रताप सिंह, क्या हो रहा है? छाया फूल और फूल मिले अलग चलिए आदर्श वर्मा सुनाया। मनो सुनाओ तब। तेरे दिन पहले दिमाग प्रोग्राम को तेज बुखार कुत्ते झड़ गए सारे, उनके मिलाना उनको कोई उपचार, बादल आया डॉक्टर बनके जोर जोर से पानी बरसाया, आने लगी सभी पशु पक्षियों ने मिलकर पानी बरसाया, सारे पशु पक्षियों ने मिलकर खाद का खाना खिलाया, आने लगी पत्तियां पर रंग बिरंगे फूल खिले, हुआ बुखार छूमंतर उनका, सभी खुशी से नाचने लगे, दिखते बड़े ही सुंदर पे छाया फल और फूल मिले, अगर मिले इन्हें पानी और खाद फिर कभी ना पड़े बीमार। बहुत अच्छा, चीटिंग नहीं कर रहे हो, देख के तुम बता रहे हो। चलिए शोरी माँ। यस मैम। सुनाइए बेटा। मैम पेड़ एक दिन पड़े बीमार, चढ़ गया उनको तेज बुखार, पत्ते झड़ गए सारे, उनके मिला न उनको कोई उपचार, आया बादल डॉक्टर बनकर जोर जोर से पशु पक्षियों ने मिलकर खाद का खाना खिलाया, आने लगे पत्तियां उन पर रंग बिरंगे फूल खिले, हुआ बुखार छूमंतर उनका, सभी खुशी से नाचने लगे, देखते बड़े ही सुंदर पेड़ छाया फल और फूल मिले, अगर मिले पानी और खाद फिर ये कभी ना पड़े बीमार। तो चलिए बेटा आप सभी लोग को पोयम तो लर्न हो गया है, अभी बताइए आप लोगों के उल्टे पुल्टे शब्द आए थे ना, उल्टे शब्द का विलोम शब्द, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया था, तो क्या सभी लोग को लर्न है विलोम शब्द किसे कहते हैं? हाँ बेटा बहुत पहले आपको लिखाया भी गया था, नोटबुक में राइट भी कराया गया था,
विलोम सर मैम कल कल नहीं मैम कल गया था और बुक भी तो आपके है ही है जिसको तो बताया गया है ना। हाँ महिमा मैम बताएं। हाँ बेटा मैम जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा उल्टा यह उल्टा विरोध अर्थ प्रकट करना है वह विलोम शब्द कहलाता है। जैसे मैम जैसे अस्पताल मैम हरा मैम हार का तेज आना का जाना दिन का लाभ मैम मित्र का सूत्र बेटा। तो सभी लोग आज के लिए आप लोग को अमीर मैम गरीब हम अमीर का गरीब यस मैम हम अमीर की गरीब आपके बुक में कुछ चीजें थी जो आपको पढ़ना था विलोम सब तो आप लोगों ने लिखा था नोटबुक में पाठ प्रयोग करने वाला लिखा था पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ करना था इसको आप लोगों ने नहीं किया है। इसी बड़े की मदद से विद्यालय या घर के मैदान में एक पौधा लगाएं। आप लोग इस समय घर पे हो इसलिए आपको सभी को एक एक पौधा लगाना है ठीक है एक एक अपने अगल बगल चाहे गमले में पौधा लगाएं या फिर घर के पास अगर जमीन है तो पेड़ भी लगा सकते हैं। पेड़ आपको लगाना है सब लोगों को ठीक है ठीक है। एक्टिविटी है आपका मैम आपकी आवाज नो आ रही है। हाँ बेटा आ रही है मेरी आवाज मैम आपकी आवाज नो आ रही है मैम आपकी आवाज आ रही है। चलिए बता दीजिए आज का होमवर्क है आप लोग देखिए स्टॉप सुनिए मेरी बात को आज का होमवर्क है आप पांच विलोम शब्द अपनी बुक से देख के लिखेंगे और उसका विलोम भी लिखेंगे शब्द लिखेंगे उसका विलोम भी लिखेंगे और लिखकर हमें भेजेंगे ठीक है। यस मैम अपने बुक से चाहे जिस चैप्टर्स को देखोगे पांच शब्दों को ढूंढोगे उसके विलोम शब्द को लिखकर भेजोगे मैम क्या विलोम शब्द मैम विलोम शब्द आज का होमवर्क है। हाँ एक विलोम शब्द लिखोगे उसका अर्थ भी लिखोगे शब्द और विलोम दोनों लिखोगे बुक से मैम जो भी आपके मैसेज को बराबर आपने बुक में देखा मैम धूप का छाया। हाँ बेटा मैम धूप का छाया आना तो आपका हो गया जाना है ना हंसना हंसना शब्द खोजे हंसना अमीर का अमीर का गरीब का गोरा जो नहीं लिखे होंगे अब तक उसको लिखेंगे जो लिखे होंगे उसको नहीं लिखेंगे नया शब्द ढूंढेंगे और लिखेंगे सब। हाँ